पांचवें यूनिट में आप लोग को पढ़ना है रेट एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहला इसका जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है मीनिंग ऑफ रेट एनालिसिस, इसका क्या सिग्निफिकेंस, इसका क्या मतलब है रेट एनालिसिस का, ठीक है। एस्टिमेटिंग का बेसिकली दो पार्ट होता है, एक तो होता है क्वांटिटी निकालना, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे शुरू से लेकर अभी तक, वो क्वांटिटी निकालना। क्वांटिटी निकालते हैं ड्राइंग में, ड्राइंग के मदद से, जो भी ड्राइंग दिया हुआ है उसके मदद से कितना क्वांटिटी है अलग अलग आइटम का, ठीक है। एक बिल्डिंग का एस्टिमेट का बात करें तो बहुत सारे आइटम में उसको बांटा गया था, जैसे कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन हो, सैंड फिलिंग हो, ब्रिक फ्लैट सोलिंग हो, पीसीसी इन फाउंडेशन हो, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, ब्रिक वर्क अप टू प्रिंथ लेवल एक आइटम है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क एक आइटम है, डीपीसी एक आइटम है, इस तरह से बहुत सारे आइटम में एक बिल्डिंग को सब डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो हम लोग ड्राइंग के मदद से क्वांटिटी निकाले थे, डायमेंशन के मदद से हम लोग क्वांटिटी निकाले थे, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट का फाइनल गोल क्या होता है कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में फाइनल गोल क्या होता है कि उसमें कितना लगने वाला लागत खर्च है वो एग्जैक्ट अमाउंट पता करना, ठीक है। क्वांटिटी पता करना तो एक एक्सपेक्ट है ही, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पता करना कि कितना खर्च आने वाला है, पूर्वानुमान करना, ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, ठीक है। तो क्वांटिटी अभी तक हम लोग निकाले, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी से ही बात नहीं बनेगी, ठीक है। आपको मटेरियल का ये पता चल लग जाएगा कि मतलब क्वांटिटी से क्या पता लग रहा था कि कौन सा जब ब्रिक वर्क है वो ब्रिक वर्क कितना मीटर क्यूब है, पीसीसी है तो पीसीसी कितना मीटर क्यूब काम कराना है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन फाइनल अमाउंट निकालने में सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं बनेगा, क्वांटिटी इंटू उस आइटम का रेट, ठीक है। जैसे कि आप कोई एक आइटम फॉर एग्जांपल लें, जैसे मिट्टी खुदाई का कार है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन काम है, ठीक है। तो हम लोग ड्राइंग के मदद से कितना मीटर क्यूब मिट्टी खुदाई करना है फाउंडेशन में वो निकाल लिए थे। अब अगर जैसे कि 20 मीटर क्यूब का मिट्टी खुदाई का काम करना है, अगर आपको 1 मीटर क्यूब मिट्टी खुदाई का रेट पता हो, दर पता हो, तो हम लोग उस क्वांटिटी को उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल्स टू अमाउंट, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट अर्थवर्क एक्सकवेशन में पता चल जाएगा कि 10 जैसे 20 मीटर क्यूब का हमको मिट्टी खुदाई का काम करना है, सपोज़ करिए 150 रुपया पर मीटर क्यूब है, तो मिट्टी खुदाई का वर कार का दर तो 150 गुना 20 करेंगे तो आपको वो अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग आइटम का अलग अलग अमाउंट रेट हम लोग को अगर पता रहेगा तो अमाउंट हम लोग निकालने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो उसी रेट का बात हो रहा है, उसी रेट का बात हो रहा है। सबसे पहले बिल्डिंग का अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे आइटम में बांटे और अलग अलग आइटम का अलग अलग रेट पर यूनिट उसका क्या होगा, जो भी यूनिट, जैसे कि या आप 1 मीटर क्यूब का एक यूनिट बना सकते हैं, 10 मीटर क्यूब का एक यूनिट बना सकते हैं, जैसे ब्रिक फ्लैट सोलिंग है तो मीटर स्क्वायर में उसका यूनिट होगा, 10 मीटर स्क्वायर का एक यूनिट, जो भी आप यूनिट यूज़ करते हो, एक इकाई क्षेत्रफल का, इकाई घनत्व का आपको रेट पता है तो आप पूरे अमाउंट को निकालने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो रेट एनालिसिस में हम लोग किसी भी आइटम का रेट पर मीटर क्यूब या पर 10 मीटर क्यूब या पर 10 मीटर स्क्वायर, इस तरह से जो भी उसका यूनिट होगा उसके रेस्पेक्टिव यूनिट में हम लोग रेट निकालने का जो एनालिसिस करेंगे, कैसे रेट निकाला जाता है पर्टिकुलर आइटम का, उसी को रेट एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो रेट एनालिसिस में बहुत सारे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है कि कोई भी आइटम का, सपोज करिए पीसीसी है फॉर द एग्जांपल 1:2:4 का पीसीसी वर्क कराना है, ठीक है, पीसीसी वर्क। तो सपोज 1 मीटर क्यूब का पीसीसी वर्क का क्या दर होगा, 4000 रुपया पर मीटर क्यूब होगा, 5000 रुपया पर मीटर क्यूब होगा। 1 मीटर क्यूब आपको पीसीसी कास्ट करना है किसी साइट पर, ठीक है, तो उसका क्या दर होगा, उसी दर से हम लोग पूर्वानुमान कर पाएंगे कि टोटल पीसीसी काम इतना मीटर क्यूब का कराना है, तो इकाई दर आपको पता है तो टोटल अमाउंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें किस किस चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा आप लोग खुद थोड़ा सोचें, एनालाइज करें चीज़ों को। पीसीसी है सबसे पहले तो मटेरियल, 3M कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, मटेरियल, उसके बाद मैन पावर, मशीन, टूल सप्लाई, ठीक है। मटेरियल कितना लगेगा, मैन पावर कितना इन्वॉल्व होगा, मशीनरीज कितना उसमें इन्वॉल्व होगा, इक्विपमेंट जिसको आप बोलते हैं टूल्स एंड प्लांट,
ये तीनों के समेशन से कितना कितना अमाउंट अगर हमको लगे ये पता हो जाए तो उसका इकाई दर से हम लोग एक मीटर क्यूब में कितना मटेरियल, अब मटेरियल में भी इसमें अगर जैसे मटेरियल के फोकस करें, एक एक टर्म पे हम लोग आएंगे बाद में, सबसे पहले मटेरियल पे फोकस करें तो मटेरियल में क्या क्या है, सबसे पहले सीमेंट, उसके बाद सैंड फाइन एग्रीगेट, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट जैसे गिट्टी, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट एग्रीगेट, ये तीनों बेसिक सा मटेरियल हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका क्वांटिटी आपको निकालना पड़ेगा कि एक मीटर क्यूब 1:2:4 इस स्पेसिफिकेशन का, इस काम का आपको, इस काम में एक मीटर क्यूब में कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना मीटर क्यूब सैंड लगेगा, कितना मीटर क्यूब कोर्स एग्रीगेट लगेगा, ये निकाल लिए, ठीक है। अब आपको मार्केट रेट से पता है, सपोज़ करिए आया कि दो बैग लगेगा सीमेंट, तो एक बैग सीमेंट का आपको दर पता है मार्केट रेट से, 400 रुपया हो, 300 रुपया हो, 500 रुपया हो, तो दो बैग सीमेंट का निकाल लिए। तो छोटा छोटा आइटम में सबसे पहले इस पूरे आइटम को छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट किए, इसमें पीसीसी एक आइटम हो गया, पीसीसी में इतना सब आइटम था, उस आइटम को तोड़े, उसका क्वांटिटी निकाले और उस आइटम का दर मार्केट रेट से हम लोग पता करके शेड्यूल ऑफ रेट से, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का रेट दर है, तो मार्केट में वैरी कर सकता है, किसी दुकान में कोई और दर है, किसी दुकान में दूसरा दर, तो एक गवर्नमेंट एक सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में फंक्शन हो तो शेड्यूल ऑफ रेट हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना होता है, जो कि हर एक साल उसमें चेंजिंग होते रहता है महंगाई के हिसाब से, ठीक है। तो उस शेड्यूल ऑफ रेट में हर एक छोटे छोटे आइटम का दर पता है, ठीक है, पर यूनिट, तो उस वहाँ से आप मटेरियल का कॉस्ट निकाल लिए, ठीक है। अभी बात हो रहा है एक मीटर क्यूब पीसीसी में अलग अलग मटेरियल का कॉस्ट, यहाँ पे इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, इसका, तीनों को जोड़ लिए। उसके बाद आता है मैन पावर कितना इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जैसे कि मैशन कितना इन्वॉल्व होगा, कूली कितना इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट क्लास मैशन कितना इन्वॉल्व होगा, लेबर कितना इन्वॉल्व होगा, बिस्ती कितना इन्वॉल्व होगा, तो ये सब जो मैन का क्वांटिटी निकालना, ये अपने आप में एक टीडियस जॉब है और ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है, ठीक है, कि बहुत सालों तक आप काम कराएंगे तो उसके बेसिस पे आपको आइडिया लगेगा कि मैन पावर कितना इन्वॉल्व होगा एक मीटर क्यूब के पीसीसी ढलाई में, ठीक है। तो टोटल इतना मीटर क्यूब का हमको पीसीसी ढलाई है तो कितना मैन पावर चाहिए, कितने दिनों तक काम कराना है, ये सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है। तो बहुत दिनों से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का, तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो एक रफली एक आइडिया आपको बुक में अवेलेबल है कि एक मीटर क्यूब पीसीसी ढलाई के लिए कितना फर्स्ट क्लास मैशन लगेगा, कितना सेकेंड क्लास मैशन लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना कूली लगेगा, उस चार्ट को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैन पावर भी इन्वॉल्व होगा और इसका एग्जैक्ट क्वांटिटी नंबर्स में, ठीक है, जैसे सपोज कि एक कूली लगा, एक मैशन लगा, तो एक कूली का आज के डेट में क्या दर है, एक मैशन का फर्स्ट क्लास मैशन सेकंड क्लास मैशन इसका क्या दर है, ठीक है, एक बिस्ती लगा इसका क्या दर है, तो आप ये निकाल पाए, ठीक है। तो इसका अमाउंट अलग हम लोग निकाले, मैन पावर का अमाउंट अलग निकाले, उसके बाद मशीनरीज कितना इन्वॉल्व है, पीसीसी, अब ये रेट जो है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन पे। स्पेसिफिकेशन मतलब कि आपको पीसीसी का जो 1:2:4 का काम कराना है वो किस विधि से कराना है, मशीनरी मशीन किस तरह का मशीन यूज़ करना है, या फिर मैन पावर से ही करा देना है, या फिर आप मसाला मिलाने वाला कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, पाइप यूज़ कर रहे हैं, वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं, रोलर यूज़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह जितना भी मशीनरीज है हाईटेक वो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिकेशन में वो सारा चीज़ मेंशन है, इस पूरे डिटेल ये जो काम करा रहे हैं इसके स्पेसिफिकेशन में विवरणी में वो चीज़ मेंशन है कि आपको जो काम लेना है पर्टिकुलर वो इस तरह से इस विधि से लेना है, ठीक है। खाली मैन पावर यूज़ करके लेना है तो यहीं तक काम ख़त्म हो जाता है, अगर मशीनरी भी यूज़ करना है तो किस तरह का मशीनरी है वो डिटेल आपको स्पेसिफिकेशन में मेंशन करना पड़ेगा, और उसका दर अलग अलग होता है। जैसे कि आप मसाला मिलाने वाला मशीन यूज़ कर रहे हैं तो एक मीटर क्यूब में कितना घंटा तक वो मसाला मिलाने वाला मशीन चलेगा और उसका क्या रेट है, जनरेटर का क्या रेट है, उस मशीन का क्या रेट है, वो शेड्यूल ऑफ रेट से पता करना होगा। और आप मशीनरीज का भी क्या किए, यहाँ पे दाम मेंशन किए, ठीक है। तो तीनों फैक्टर को कंसीडर करके एक मैन मटेरियल
मशीनरीज तीनों को कंसीडर करते हुए और आपको यहाँ पे एक कुछ अमाउंट पता चला, ठीक है। ये साइट पे तो अवेलेबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। दूरी से आप कहीं से ला रहे हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं, कई किलोमीटर से ला रहे हैं, तो कैरेज कॉस्ट भी जोड़ना पड़ेगा इस मटेरियल को साइट तक पहुँचाने के लिए। जैसे बालू ला रहे हैं, सोन नदी से आप बालू ला रहे हैं, तो सोन नदी से पर ट्रक बालू लाने पे साइट का क्या चार्ज है, उसमें किस तरह का रोड ट्रैवल किया है, कच्चा रोड ट्रैवल किया है, ट्रक पक्का रोड ट्रैवल किया है, ठीक है, ट्रक का क्या कैपेसिटी है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल वहाँ पे सैंड का क्या है, प्लस कैरेज कॉस्ट, ये सारा कैरेज कॉस्ट भी इंक्लूड होगा मटेरियल को साइट पे पहुँचाने का, ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, सबसे पहले मटेरियल, मैन, मशीनरीज, कैरेज कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप उसको बोल लें, ठीक है। उसके बाद ये चारों को मिला लिए, उसके बाद आपको एक ये आ जाएगा, और भी मशीनरी में कुछ हो सकता है, जैसे इस पीसीसी को कास्ट करने के बाद आपको बहुत सारा मांस बल्ली लगा, फर्म वर्क लगा, उस फर्म वर्क का कॉस्ट इसी मशीनरीज में आ जाएगा, ठीक है, टूल्स प्लांट में आ जाएगा। सभी को जोड़ने के बाद कोई एजेंसी को, कोई ठेकेदार को आप काम दे रहे हैं करने के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहा है, फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो ये तो जेन्युइन कॉस्ट हो गया मटेरियल का, ठीक है, एक मीटर क्यूब पीसीसी को कास्ट करने में ये जेन्युइन कॉस्ट हुआ अभी तक। लेकिन किसी एजेंसी के थ्रू आप काम करा रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करा रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट भी लीगल वे में देना पड़ेगा। आप लीगल वे में नहीं देंगे तो वो कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी ख़राब करेगा और इसी में से पैसा वो चुराएगा, ठीक है। तो लीगल वे में आपको उसको उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा जिस भी एजेंसी से आप काम करा रहे हैं। तो 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है, जो भी अभी तक का खर्च आया, ठीक है, उसका 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक। अब 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के बाद भी बहुत सारा हिडन खर्च होता है, जैसे कि मटेरियल को रखने के लिए आपको जहाँ पे साइट है वहाँ पे मटेरियल चोरी ना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है मशीन चलाने के लिए, तो उसके लिए 2-5% के बीच में आप कंटिंजेंसी देते हैं, ठीक है। जैसा वर्क रहेगा, छोटा वर्क है तो कम कंटिजेंसी, बड़ा वर्क है तो उस तरह से आप इसके अलावा कंटिजेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के अलावा कंटिजेंसी, ठीक है। इस सब को जोड़ें, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगाएं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को जोड़ के, इस सब को जोड़ के जो अमाउंट आया उसके ऊपर कंटिजेंसी 2-5% के बीच में आप कंटिजेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सब को जोड़ने के बाद तब जो अमाउंट आता है वो एक मीटर क्यूब पीसीसी का दर होगा, ठीक है, एक मीटर क्यूब पीसीसी का दर होगा। ये फॉर द एग्जांपल ये पीसीसी का था। अब जैसे ब्रिक वर्क का एग्जांपल लें, ब्रिक वर्क 1:4 के रेशियो में मसाला में ये किया गया, ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क प्रोवाइडिंग एंड लेइंग फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन रेशियो ऑफ 1:4 मोटार, ठीक है, मोटार का मसाला का जो रेशियो है वो 1:4 है, ठीक है। और इसको आपको निकालना है पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में क्या इसका दर आएगा, ठीक है, रेट निकालना है। सबसे पहले आप में आपको इसमें निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल ब्रिक, एक मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लगेगा वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, उसका ब्रिक का दर क्या है। उसके बाद इसमें देखिए सीमेंट है और ये सैंड है, फाइन एग्रीगेट, तो एक मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में कितना बैग सीमेंट का लगेगा, कितना बैग सैंड का लगेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया मटेरियल, उसके बाद आते हैं मैन, ठीक है। एक मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क को एक चनाई करने में कितना इसका मैन पावर लगेगा, इन्वॉल्व होगा फर्स्ट क्लास मैशन, सेकंड क्लास मैशन, ठीक है, कूली, इस तरह का कितना मैन पावर इंक्लूड होगा। ये सभी डाटा एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको शेड्यूल ऑफ रेट में मेंशन है, बुक में भी मेंशन है, उसको हम नोट डाउन करा देंगे। अभी बस प्रोसीजर हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग रेट एनालाइज करते हैं। तो मैन पावर भी हम लोग निकाल लिए। उसके बाद मशीनरीज, अगर आप कुछ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बांस बल्ली कुछ फर्म वर्क यूज़ करते हैं इस ब्रिक वर्क को कास्ट करने में, ढालने में, ठीक है, तो उसको भी आप मेंशन कर रहे हैं। तो सभी को जोड़ के फाइनल जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, उसके ऊपर सॉरी एक चीज़ और, कैरेज, ये ब्रिक वर्क, ब्रिक जो लग रहा है ब्रिक वर्क में, ये ब्रिक कहाँ से ला रहे हैं, सीमेंट कहाँ से ला रहे हैं, सैंड कहाँ से ला रहे हैं, सभी का कैरेज कॉस्ट, माल ढुलाई का खर्च आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो माल ढुलाई का खर्च डिपार्टमेंट ही फिक्स करते हैं,
कोई बोलेगा नहीं हम बहुत दूर से सैंडल आए हैं, तो क्या उसकी आवश्यकता थी, स्पेसिफिकेशन में क्या वो मेंशन था? अगर आपको नज़दीक में ही अच्छा क्वालिटी का बालू मिल रहा है तो आप दूर से क्यों लाएं? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा मार्जिन हो सकता है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को जस्टिफिकेशन डिपार्टमेंट करती है कि पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी जैसे एरिया अलग अलग एरिया में, ज़रूरी नहीं कि सभी जगहों पर वही रेट अप्लीकेबल हो, प्लेस टू प्लेस और एज़ पर स्पेसिफिकेशन हर एक आइटम का रेट वेरी करता है, ठीक है। बिहार में ही जैसे 1 m³ PCC का जो दर होगा वो सभी ज़िलों में एक जैसा हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है क्योंकि इसमें कैरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग होगा। किसी का कोई ज़िला सोन नदी के पास है, क्यूल नदी के पास है, ठीक है, गंगा नदी के पास है, तो वहाँ पे से अगर बालू का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा। कोई बहुत दूर इलाके में है, सुदूर इलाके में है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे गिट्टी कहाँ से आ रहा है, मिर्जा चौकी से आ रहा है या किसी और जगह पाकुड़ से आ रहा है, तो कहाँ से गिट्टी आप ला रहे हैं, किस क्वालिटी का गिट्टी ला रहे हैं, किस साइज़ का गिट्टी ला रहे हैं, क्या उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ है, सभी चीज़ों को स्पेसिफिकेशन में मेंशन करते हुए उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग पे करते हैं, ठीक है। वो डिपार्टमेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करता है, कोई ठेकेदार डिसाइड नहीं करता है। ठेकेदार तो अपने फायदे के लिए हमेशा बोलेगा कि हम मटेरियल दूर से कैरेज ट्रांसपोर्ट करके लाएं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट एजेंसी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी हैं, उसके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो गए, चीफ इंजीनियर हो गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी लोकेलिटीज़ में, किसी लोकेलिटी में किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से किया जाए, अच्छे क्वालिटी का किया जाए, जो भी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन चाहिए उस तरह के मटेरियल को कहाँ से लाया जाए, ठीक है। तो एज पर उस तरह के स्पेसिफिकेशन से हम लोग कैरेज कॉस्ट भी जोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग सभी के जोड़ पे 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, फर्दर हम लोग 2-5% कंटिजेंसी भी प्रोवाइड करके उस आइटम का हम लोग रेट फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल सा प्रोसीजर था कि रेट को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, कैसे रेट को बनाते हैं। अब आपका बुक क्या बोलता है, एज़ पर बुक का लैंग्वेज भी हम लोग को समझना ज़रूरी है। बुक क्या बोलता है उसको देखिए। रेट एनालिसिस डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क, ठीक है। किसी भी आइटम ऑफ वर्क के एग्जीक्यूट करने के लिए, काम को धरातल पे उतारने के लिए उसका प्रति इकाई दर क्या होगा, यही है रेट एनालिसिस। रेट ऑफ आइटम आर रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल एंड लेवल लेबर फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। रेट में इन्वॉल्व बहुत सारा चीज़ हो सकता है, मटेरियल भी है, लेबर भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी, बहुत सारे के कंसिडरेशन, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम लोग किसी भी आइटम का रेट निकालते हैं। इट इज़ अ मैथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, हायर चार्जेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट एंड अदर मिसलेनियस पेटी एक्सपेंशन, ठीक है। सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझे, इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा है बुक। रीजनेबल प्रॉफिट ऑफ 10% फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज इंक्लूडेड इन द रेट एनालिसिस। रीजनेबल प्रॉफिट 10% ये गवर्नमेंट डिसाइड की है कि सभी चीज़ों के ऊपर आपको 10% कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉफिट देना होगा। द रेट ऑफ द मटेरियल शुड इंक्लूड ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस। अब किसी मटेरियल का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ये जो भी भू राजस्व द्वारा टैक्स लगना है, GST लगना है, सभी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इफ द मटेरियल आर टू बी कैरिड विद इन द रेडियस ऑफ 5 km, द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड, बट इफ द डिस्टेंस इज मोर देन 5 km, देन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एडेड, ठीक है। अगर कोई भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन 5 km के अंदर के रेडियस से कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग को नहीं देना है, लेकिन अगर 5 km के दूर के रेडियस से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देना पड़ेगा। द रेट ऑफ द मटेरियल एंड लेबर वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड देयरफॉर द रेट ऑफ आइटम ऑफ वर्क आल्सो वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। जैसा कि अभी बताया हम लोग कि रेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। अब जो आपके यूनिट में दूसरा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। कौन कौन सा वो क्षेत्र है जो प्रभावित करता है किसी भी आइटम के रेट को, ठीक है, पर यूनिट उसका रेट को प्रभावित करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ लेबर्स एंड देयर रेट्स, उसके बाद लोकेशन ऑफ साइट, प्रॉफिट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये सब फैक्टर्स हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है स्पेसिफिकेशन, ठीक है, विवरणी। कोई भी काम कराना चाहते हैं तो आप सिंपल जैसे एक लाइन में आप लिख देंगे कि प्रोवाइड ब्रिक वर्क 1:4 का, ठीक है। तो वो ब्रिक वर्क बहुत तरह का हो सकता है, आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर
थर्ड क्लास फैब्रिक वर्क भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। 1:4 अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो कुछ भी मसाला दे के वहाँ पर ब्रिक वर्क बना सकता था, वो बोलेगा कि हम 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क बना दिए, ठीक है, आपने बस इतना ही लिखा था। लेकिन अगर आपको अच्छे क्वालिटी कंट्रोल का, अच्छे क्वालिटी का आपको ब्रिक वर्क चाहिए, अच्छा काम चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए काम चाहिए, तो आपको पूरा स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा, प्रोवाइड फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, ठीक है। इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल लिए कि आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोवाइड फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:3 या फिर 1:4 का मोर्टार में, ठीक है। जैसे आपको 1:2, 2:4 का सीमेंट कंक्रीट PCC का काम कराना है तो किस क्वालिटी को, क्वालिटी कंट्रोल को आपको रखते हुए को काम कराना है, कौन सा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए काम कराना है, वो मेंशन करना पड़ेगा कि सीमेंट किस ग्रेड का होना चाहिए, 33 ग्रेड या 43 ग्रेड या 53 ग्रेड का, सैंड कहाँ का होना चाहिए, ठीक है, कोसी का सैंड होना चाहिए या फिर सोन नदी का सैंड होना चाहिए, आपको सैंड कहाँ का चाहते हैं, एग्रीगेट का क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या हो, किस साइज़ का एग्रीगेट हो, एग्रीगेट कहाँ का हो, फकुड़ का हो, मिर्ज़ा चौकी का हो या फिर किसी और प्लेस का हो, तो किस तरह का आप काम चाह रहे हैं, एज अ इंजीनियर आपको पता होगा कहाँ का मटेरियल अच्छा रहता है, ठीक है, तो आप वहाँ का मटेरियल मंगवाइए, लेकिन उस चीज़ को एज अ लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे स्पेसिफिकेशन में मेंटेन करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि काम हो गया तो आप किस तरह का रोलर चलाना चाहते हैं, वाइब्रेटर चलाना चाहते हैं, ठीक है, नीडल वाइब्रेटर चलाना चाहते हैं या फिर सरफेस वाइब्रेटर चलाना चाहते हैं, सबका अलग अलग दर है। अगर आप स्टार्टिंग में ही मेंशन नहीं करेंगे तो ठेकेदार अपने अपना पैसा लगा के, जेब से पैसा लगा के तो ये काम नहीं करेगा, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ आप मेंशन करेंगे उसका दर स्टार्टिंग में ही आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जब रेट एनालिसिस करेंगे, अगर आप वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो वाइब्रेटर का भी दर दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वो दर को नहीं प्रोवाइड किए हैं और साइट पे काम होते वक्त वो चीज़ मांगेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी प्रोवाइड करने नहीं जा रहा है, ठीक है, वो अपना घाटा लगा के कोई भी काम नहीं करेगा। तो आप किस क्वालिटी का काम चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, क्या क्या मशीनरीज लगेगा, कितने लेबर्स लगेंगे, किस क्लास का लेबर लगेगा, ठीक है, वो सब चीज़ को एनालाइज करके शुरू में ही आपको उसका दाम रेट एनालिसिस में प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई मटेरियल आप लगा रहे हैं तो किस क्वालिटी का मटेरियल लगा रहे हैं, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, कितने दिनों तक क्यूरिंग करने के लिए छोड़ रहे हैं, उसमें क्या सेंटरिंग सटरिंग लग रहा है, ठीक है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी आइटम का रेट हम लोग को डिसाइड होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिकेशन में ही बहुत हद तक इस क्वालिटी ऑफ मटेरियल का जिक्र हो जाता है, किस तरह का क्वालिटी चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, किस तरह का क्वालिटी चाहिए मटेरियल का, नंबर ऑफ लेबर्स एंड देयर रेट्स। अब देखिए, लेबर का रेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा। शहर में जाएंगे तो वो स्किल्ड लेबर रहते हैं, वो जल्दी जल्दी काम को खींचेंगे, उसमें बहुत हुनर रहता है, बहुत जगह से ट्रेनिंग लेके आए होते हैं, बहुत नॉलेज रहता है टेक्निकली, वो काम को तेज़ी से खींचेंगे तो उसका रेट भी थोड़ा हाई होगा। गांव में जो किसी तरह का ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, अनस्किल्ड हैं, तो वहाँ का रेट भी थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, ठीक है, लेकिन काम का दर जो होता है वो डे वाइज वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग टास्क वर्क में समझेंगे। किसी भी काम को, कोई भी एक लेबर एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है, उस टास्क वर्क को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेबर्स, किसी भी काम को कराने में कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी में नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए, किस तरह का लेबर, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका रेट क्या है, लोकेलिटीज़ के हिसाब से शहर में अलग, गांव में अलग ये रेट हो सकता है, ठीक है। उसका लोकेशन ऑफ साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम काम को कराने में सपोज करें किसी प्लेन एरिया में कम कॉस्ट आएगा, किसी हिली एरिया में ज़्यादा कॉस्ट आएगा, क्यों, क्योंकि आपको हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट करके उस हिली पे, जो कि अपने आप में दुर्गम स्थल है, वहाँ पे पहुँचाना पड़े। सपोज़ करिए किसी पहाड़ी पे कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, सोचिए पहाड़ी पे नॉर्मली ऐसे चढ़ाई मुश्किल होता है, वहाँ पे पानी पहुँचाना, ब्रिक पहुँचाना, सीमेंट पहुँचाना अपने आप में बहुत ये हो जाएगा, टीडियस वर्क हो जाएगा, और रेस्पेक्टिवली उसका दाम भी वहाँ पे बहुत, लेबर चार्जेस बढ़ जाएगा, वहाँ तक पहुँचाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएगा, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये एक एग्जांपल था कि लोकेशन क्या प्रभाव डालता है रेट पर, ठीक है। लोकेशन जितना सुगम रहेगा, गाड़ी पहुँच जाता है वहाँ तक, उसका रेट कम रहेगा, ठीक है।
अगर दुर्गम लोकेशन रहता है वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँचता है तो मटेरियल को बहुत दूर पे डंप करना पड़ेगा, वहाँ से ढो के पैदल या फिर किसी और मार्फत आपको साइट पे पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ साइट रेट को बहुत हद तक प्रभावित करता है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए किसी को एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई काम नहीं कराना चाहता है, बहुत दुर्गम स्थल है। ठीक है, कोई एकाध कॉन्ट्रैक्टर आपको किसी तरह से मिला, कोई एकाध कॉन्ट्रैक्टर मिला तो वो मनमाना रेट भी लेगा, बोलेगा 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट पे नहीं करेंगे, हम इतने मार्जिन पे करेंगे, इससे ज़्यादा प्रॉफिट पे करेंगे। तो कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से आपको वो काम देना पड़ सकता है उसको। तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या प्रॉफिट है, क्या उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या वो चार्ज करता है, ये सब चीज़ भी प्रभावित करता है रेट, किसी भी आइटम के रेट को। अब है नेक्स्ट टास्क वर्क और आउटटर्न वर्क। टास्क वर्क क्या है, कोई भी एक लेबर एक कूली एक दिन में कितना काम कर सकता है, जैसे ब्रिक वर्क है तो कितना मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क एक दिन में कर सकता है, पीसीसी है तो कितना मीटर क्यूब पीसीसी का वर्क कर सकता है। तो एक मजदूर एक दिन में कितना काम कर सकता है, इसी को हम लोग टास्क वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो सब मजदूर, अगर मजदूर से पूछा जाए कि आप एक दिन में कितना काम कर लेंगे तो सब अपना बचने के लिए वो तो बोले हम कम ही काम कर पाएंगे। तो इसके लिए एक रूल फिक्स कर दिया गया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया बुक में। ठीक है, वो स्टैंडर्ड अलग अलग काम के लिए अलग अलग है और अलग अलग टाइप के मजदूर के लिए वो अलग अलग है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बुक क्या बोलता है, टास्क वर्क के बारे में इसको पढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, किसी भी कार्य करने का क्षमता एक स्किल्ड लेबर द्वारा। ठीक है, जिसको एकदम काम नहीं आता है, आज से काम वो स्टार्ट ही कर रहा है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है। जिसको हुनर है, स्किल्ड है, वो पहले काम किया, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात हो रहा है। स्किल्ड लेबर इन अ फॉर्म ऑफ वर्क, काम करने के क्रम में पर डे, पर डे मतलब 24 घंटा नहीं 8 घंटा। ठीक है, पर डे 8 आवर्स इज नोन एज टास्क वर्क। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस वेरिएबल फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ लेबर, नेचर ऑफ वर्क, क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, ये टास्क वर्क जो है बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस तरह का वो लेबर है, शहरी है, ग्रामीण है, हाँ वो स्किल्ड मैशन है, अनस्किल्ड मैशन है, कूली है, ये टाइप ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है, महिला है या फिर जेंट्स है। ठीक है, सेम काम को जो जेंट्स होगा वो ज़्यादा कर पाएगा, ज़्यादा मीटर क्यूब का वो कोई काम कर पाएगा, और लेडीज़ होगी तो वो थोड़ा कम कर पाएगी। तो टाइप ऑफ लेबर कैसा है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, काम करने का जो नेचर है किस तरह का काम है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। क्लाइमेट कंडीशन, बहुत क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, बहुत गर्म है या फिर बहुत ठंडा है। ठीक है, एवरेज है, मॉडरेट है, या बहुत बरसात होती है, बरसात अगर बहुत ज़्यादा होगा तो काम पे कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ेगा, पूरे 8 घंटे तक काम मजदूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। सिचुएशन ऑफ वर्क, कैसा सिचुएशन है काम का, बहुत जगह कैसा है, दुर्गम है या सुगम है। ठीक है, इस पे भी धीरे धीरे, अगर बहुत दुर्गम होगा तो काम बहुत धीरे धीरे होगा। स्किल ऑफ लेबर, लेबर को कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसको प्रशिक्षण मिला है, स्किल कैसा है। साइट ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्ट्रैक्टर किस तरह का मैनेजमेंट करता है, एक दूसरे में ट्यूनिंग कैसा है। ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं, इंजीनियर हैं, लेबर हैं, मैशन है, तो सब में कैसा ट्यूनिंग है, सामंजस्य कैसा है, साइट ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, अगर बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं होगा तो कोई बैठा रहेगा मजदूर, काम कंप्लीट हो गया है, उसको दूसरे जगह पे पुट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों पर भी ये टास्क वर्क अफेक्ट करता है। उसके बाद है एंड मेनी अदर फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर्स और भी है इस पर टास्क वर्क प्रभावित होता है। ठीक है, तो टास्क वर्क पर डे बिकम्स यूजफुल इन फ्रेमिंग द रेट ऑफ आइटम। किसी भी आइटम का रेट को फ्रेम करने में ये टास्क वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टास्क वर्क पता होगा तभी आप किसी भी आइटम का रेट को बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़े कि मटेरियल एक मीटर क्यूब के पीसीसी में कितना कितना अलग अलग मटेरियल लगेगा। ठीक है, लेकिन कितना लेबर लगेगा ये कैसे फ्रेम हो पाएगा, जब आपको टास्क वर्क पता होगा कि एक आदमी एक दिन में इतना मीटर क्यूब का पीसीसी करता है, इतना मीटर क्यूब का ये काम करता है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग आदमी को भी डिसाइड कर पाएंगे कि इस काम के लिए कितना आदमी लगेगा। ठीक है, तो एक रफ थंब रूल यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ है, इस टेबल में। इस टेबल में देखें, अलग अलग टाइप के वर्क के लिए, अलग अलग आइटम के लिए पर डे पर मैशन क्या किस तरह का कितना काम कर पाएगा उसके बारे में यहाँ पे। जैसे पहला एग्जांपल है एक्सकेवेशन ऑफ ऑर्डिनरी सॉइल, आम मिट्टी है, उसका अगर खुदाई करना है, एक कूली एक दिन में, देखिए ऊपर का जो यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट
क्वांटिटी पर डे, पर डे 8 आवर्स, एक दिन में 8 घंटे में एक आदमी, यानी कि यहाँ पे एक्सकवेशन के लिए कूली चाहिए, ठीक है, एक कूली एक दिन में 3 मीटर क्यूब का गड्ढा खोद पाएगा, ठीक है। अगर क्यूबिक फीट में बात करें तो 100 क्यूबिक फीट का वो एक्सकवेशन कर पाएगा। अगर हार्ड सॉइल है तो हार्ड सॉइल में तो बहुत धीरे धीरे काम होगा, तो उसमें यहाँ पे देखिए क्वांटिटी घट गया, 2 मीटर क्यूब हो गया। अगर रॉक है, पथरीला एकदम पत्थर है, तो 1 मीटर क्यूब और क्वांटिटी घट गया, एक दिन में एक कूली 1 मीटर क्यूब का ही। देखिए दोनों यूनिट में, क्यूबिक मीटर में भी दिया हुआ है, क्यूबिक फीट में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारा ऐसा आइटम है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट आइटम है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सैंड फिलिंग है, ब्रिक वर्क है, PCC वर्क है, RCC वर्क है, इस सभी का क्वांटिटी एक मैशन एक दिन में कितना मीटर क्यूब का काम कर पाएगा या कितना मीटर स्क्वायर का, जो भी, जैसे कि आपको जैसे नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर ब्रिक ऑन एज सोलिंग है, ठीक है, ब्रिक ऑन एज स्क्वायर मीटर में इसका एक मैशन एक दिन में 7 स्क्वायर मीटर का ब्रिक ऑन एज फ्लोरिंग कर पाएगा। इस तरह से बहुत सारा प्लास्टर वर्क है, ठीक है, तो 25 mm का प्लास्टर है या 12 mm का प्लास्टर है या 6 mm का प्लास्टर है, तो एक मैशन एक दिन में 12 mm का प्लास्टर 10 मीटर स्क्वायर का काम कर पाएगा। इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट सब कुछ आइटम था यहाँ पे, उसका चार्ट है, इसको एक एज अ स्टूडेंट आपको याद रहना चाहिए।